हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बनाएंगे चटपटी बेसन वाली शिमला मिर्च। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि ये घर में सभी को बहुत पसंद आएगी। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है, हमने यहाँ 3 से 4 बड़ी शिमला मिर्च ली है और इसके बीज को अच्छे से हटा के इसे काट के वॉश कर लिया है। और 1.5 कप बेसन लिया है, सौंफ, कलौंजी, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, जीरा, राई, भुना हुआ जीरा, हींग, चाट मसाला और तेल। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करके उसमें तेल डालेंगे, उसके बाद हम इसमें जीरा डालेंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून कलौंजी डालेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून हींग डालेंगे और 1/2 टीस्पून राई डालेंगे। उसके बाद हम अपनी शिमला मिर्च इसमें मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसमें धीरे धीरे करके बेसन डालेंगे, जितना ज़रूरी लगेगा हमें तेल के हिसाब से, उसी हिसाब से हम बेसन डालेंगे। ये देखिए इतना बेसन काफ़ी है, हमारा तेल ड्राई हो चुका है इस बेसन में। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून चाट मसाला। उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून अमचूर पाउडर डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारा बेसन अच्छे से मिक्स हो जाए और इस पर ढक्कन लगा के इसे 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी मिर्ची। तो तैयार है हमारी बेसन से बनी हुई शिमला मिर्च। आप ज़रूर ट्राई कीजिए इसे, ये सभी को बहुत पसंद आती है। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें और हमारे वीडियो को ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू।